ग्वालियर प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया अपने अल्प प्रवास पर ग्वालियर पहुंची, जहां उनका रेलवे स्टेशन पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं उनके आगमन को लेकर पूछा गया तो उनका कहना था कि कोई विशेष नहीं है, ग्वालियर तो मेरी जगह है, मेरी नगरी है। वहीं चुनावी साल में युवाओं के लिए खेल के क्षेत्र में कोई योजना लाने को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा, आप शायद भोपाल नहीं गए हो, आप जाकर देखें क्या क्या वहाँ तरक्की की है, आप शायद ग्वालियर में ही नहीं देखा कि ग्वालियर खेल परिसर में क्या क्या किया है, यह सब नई नई चीज़ें हैं जो हमने की हैं। वहीं कांग्रेस के दावे को लेकर पूछा गया कि कांग्रेस ने कहा कि अंचल भर में भाजपा का सूपड़ा साफ होगा और प्रदेश में फिर से कांग्रेस जीत कर आ रही है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं इस पर कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी, जो हमारा वरिष्ठ नेतृत्व में वह इस पर टिप्पणी देंगे। वहीं साक्षी मलिक खिलाड़ी के द्वारा ट्वीट कर कहा गया कि अब ब्रजभूषण के खिलाफ कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाएगी, तो इस प्रश्न को लेकर उन्होंने कहा कि वह कोर्ट में जाएं, यह उनका निर्णय है, मैं ज़्यादा इस पर नहीं बोलना चाहूँगी। विशेष बात ग्वालियर तो मेरी जगह है, प्रदेश सरकार हर तरह के जो है योजनाएँ जो लेकर आ रही है युवाओं की, खेल क्षेत्र में भी कोई सौगात जो है साल में मिलने वाली। आप शायद भोपाल नहीं गए हो बहुत दिन से, पर आप जाके देखें कि क्या क्या वहाँ तरक्कियाँ की हैं। आप शायद ग्वालियर में नहीं आए हो खुद ही देखने के लिए कि ग्वालियर खेल परिसर में हम लोगों ने क्या क्या किया है, ये सब नई नई चीज़ें हैं। मतलब कांग्रेस ये दावा कर रही है कि अंचल में सूपड़ा साफ होगा बीजेपी का, पूरे प्रदेश में हम लोग बहुमत से आ रहे हैं। मैं इस पर टिप्पणी नहीं डालूंगी, मेरे सीनियर लोग, मेरे संगठन वाले इस पर टिप्पणी। लास्ट सवाल है, साक्षी मलिक ने ट्वीट करके कहा है जो सड़कों पर लड़ाई लड़ी जा रही है, अब वो कोर्ट में जाएंगे, ठीक है ना, उनका निर्णय है, मैं ज़्यादा इस पर कहना नहीं चाहती, उनका निर्णय है, वो कोर्ट पे जा रहे हैं। अच्छा है, अच्छी बात है। सुप्रिया जिला उपाध्यक्ष अजय गुप्ता वो आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं बीजेपी। अजय गुप्ता नहीं, राकेश गुप्ता, आप अपने फैक्ट्स ठीक करिए पहले। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है इंडिया में, भारत में, जो आना चाहे आए, जो जाना चाहे जाए। बीजेपी को फर्क नहीं पड़ने वाला।